मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आरजेवाईएस ग्रुप द्वारा पुलिस कर्मियों को माला पहनाकर तालियों के साथ किया अभिवादन। आपको बता चले कि आरजेवाईएस ग्रुप के राष्ट्र जागरण युवा संगठन एवं उद्योग व्यापार मंडल द्वारा शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी राशन, भोजन और मास्क वितरण की श्रृंखला में ही आज बिथरी चैनपुर थाने की टीम, जो जेल रोड चौराहे पर मुस्तैदी से कार्य कर रही थी, उन्हें माला पहनाकर और तालियां बजाकर उनका सम्मान किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के पड़ाव में आज हमारी टीम बुता रोड पर न्योड़ी खुर्दा गांव पहुंची। वहां ग्रामीणों को राशन, भोजन और मास्क वितरण किए गए। इस दौरान अमित भारद्वाज, विशाल मल्होत्रा, जीतू देवनानी, अरविंद सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर कमल जगवानी, सुरेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, अतुल भारद्वाज आदि का गाँव में भोजन वितरण किया। और यहाँ पर तैनात ड्यूटी में मुस्तैद हमारे सेवा कर्मी, पुलिसकर्मी, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों की सेवा में तत्पर हैं, उन लोगों को, ये हमारे कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। हमें बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है इनका सम्मान करते हुए। वहीं कुछ जाहिल लोग पुलिस पर पथराव करते हैं तो बड़ा दुख का अनुभव होता है कि पुलिस का मानवीय पहलू शायद ही लोगों की नज़र में आता हो। कि एक तरफ पुलिस का एक वैसा चेहरा लोग दिखाते हैं कि नहीं, पुलिस अत्याचार करती है, लेकिन पुलिस बहुत मानवीय दृष्टि से लोगों को खाना भी वितरण कर रही है। देखिए, यहाँ भोजन रखा हुआ है, पुलिस अपने स्तर से भोजन भी वितरण करवाती है। और वीर जी, सर, आपका नाम? प्रदीप करतार सिंह जी, आप लोग यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स के रूप में, योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? जनता के लिए मैसेज हमारा कि अपने जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहे, क्योंकि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जितना जनता अपने घर पर रहेगी उतना ही उसका ये सुरक्षा फैल नहीं पाएगा, क्योंकि ये चैन तोड़ने के लिए चैन भी टूट पाएगी कोविड की, तो अपने लोग अपने घर पर रहेंगे। नहीं तो ऐसे आना जाना लगा रहेगा तो कोविड फैलता चला जाएगा और इंडिया की हालत बहुत बदतर हो जाएगी। क्या बिथरी चैनपुर के सहयोग, जो जनता है उसका सहयोग आपको मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है, लोग हमारे यहाँ पर क्षेत्र में अपने घर पर जा रहे हैं, सब कोई बाहर नहीं निकल रहा है। और जो निकलता है हम उसे बताते हैं कि ऐसे अपने घर पर रहो, बाहर निकलोगे तो परेशान नहीं होगा। जनता से यही अपील है कि खुश रहे, खुश रहे। हमारा बिथरी चैनपुर थाना जो है, आपके द्वारा गरीबों को भोजन भी वितरण किया जा रहा है? हाँ, किया गया है। हमारे जो वो बहुत लोग आप दिल्ली, नोएडा वगैरह से आ रहे थे, किया है हमारे थाने वालों ने। अब कोई आ नहीं रहा तो अब इतना वो नहीं है, पर वितरित किया है सभी ने।